हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो फिज़िक्स के रेगुलर 40 क्वेश्चन लेकर के आता हूं, उसकी वीडियो और लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये सब कुछ जो फिज़िक्स और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए रेलवे, बैंक, SSC, जहाँ कहीं भी साइंस का यूज होता है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, मैं आप लोगों के लिए रेगुलर 40 क्वेश्चन लेकर के आता हूं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, दोस्तों इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आगे से आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो सके। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है। तो एंगस्ट्रॉम किस चीज़ को नापने की इकाई है? दोस्तों, एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्ध्य को नापने की इकाई है। ओके, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है मीन्स इसका है एंगस्ट्रॉम किस चीज़ को मापने की इकाई है, ये है दोस्तों तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। दोस्तों, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण जब बनता है तो बॉल अधिकतम दूरी पर गिरेगी। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि कुछ इस प्रकार से है, ये है, ये दिया गया है, यदि हम बॉल को एकदम 90 डिग्री पर फेंकते हैं तो ये ऊंची जा सकती है लेकिन लंबी नहीं जा सकती। तो लंबाई पर कब जाएगी? अब हमको बॉल को फेंकना है तो ऊंचाई तो देनी होगी, कोई एंगल तो देना होगा, तो इसके लिए हम 45 डिग्री एंगल जो देते हैं वो इसको अधिकतम ऊंचाई पर ले जाने में सहायता प्रदान करता है। ओके, और अधिकतम दूरी भी वही प्रदान करता है, अधिकतम ऊँचाई तो आप लोगों को 90 डिग्री एंगल प्राप्त करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है क्या। दोस्तों, केस की अभिक्रिया परिघटना जो है वो इसी में शामिल है। केस की अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों, आप लोगों ने कभी अपने घरों में चिमनी देखी होगी, गांव में इसको चिमनी कहते हैं, जो लैम्प होती है ना मिट्टी के तेल वाली जो जलती है, वो केस के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। दोस्तों, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बहुत अधिक होता है, इस कारण से लोहे की सुई पानी के पृष्ठ पर तैरती है। अगला है आप लोगों के लिए, बर्नौली प्रमेय आधारित है। दोस्तों, बर्नौली प्रमेय जो आधारित है वो है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है आप लोगों के लिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान मीन्स एक यदि ज़्यादा वजनदार हो, एक कम वजनदार हो, यदि दोनों पत्थरों को एक साथ ऊपर से गिराया जाता है तो साइंस ऐसा मानता है कि दोनों एक साथ ही गिरेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों, ये 15 तारीख के XY ग्रुप के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूलमान से कम होता है, इस कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूध का घनत्व घट जाता है दूध से मक्खन निकाल लेने पर। अगला है आप लोगों के लिए, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्यों? क्योंकि उनकी प्रत्यास्थ अधिक होती है, वो बहुत अत्यधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपने हाथ बाहर की ओर फैला देने चाहिए जिससे उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे रुक जाएगा। ओके, जिस प्रकार से ये कोई घूर्णी मंच है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यदि उसको तेजी करना है तो अपने हाथों को सिकोड़ ले, यदि उसको धीमी करना है तो हाथों को ऐसे फैला ले। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्यों। दोस्तों, अंडा जो उबला हुआ अंडा होता है, नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से अधिक होता है। जो नमक के घोल, नमक के जो अंडे के अंदर जो घोल होता है, जो नमक का घोल होता है, तो क्या कह रहा है आंसर आप लोगों से, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अत्यधिक होता है, यही कारण है कि नमक के सांद्र घोल में अंडा
तैरता है। अगला है आप लोगों के लिए, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। जो लगे रहते हैं बैरोमीटर दाब मापी, उनका यदि एक एक पाठ्यांक गिर जाता है तो ऐसा मानते हैं कि वायु दाब का गिरना और तूफान का आना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है। दोस्तों, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। अगला है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता अनुभव होता है। अगला है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा निकलती है। दोस्तों, बैटरी से ऊर्जा मिलती है, नॉर्मल सीधी सी बात, साधारण बात है। अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार कैसा होता है, घटता या बढ़ता है। दोस्तों, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसका भार घट जाता है। इसमें आपको एक विशेष बात पर ध्यान देना है कि उसका जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। दोस्तों, शब्दों पर ध्यान दीजिए, भार, दोस्तों भार में परिवर्तन होता है लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान पूर्ण सृष्टि में अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई पिंड होता है तो उसका जो भार है वो ध्रुवों पर बहुत अधिक होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? दोस्तों, क्यूसेक से जल का बहाव, जो जल कितनी तेजी से बह रहा है, ये मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पास्कल इकाई है। दोस्तों, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। ओके, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अगला है, प्रेशर कुकर के तेजी से जो भोजन है वो तेजी से पकता है, क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वायु दाब में वृद्धि हो जाती है तो वो क्वथनांक को भी बढ़ा देती है, इस कारण से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी से पक जाता है। अगला है, मिट्टी में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? दोस्तों, बाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो मिट्टी के अंदर जल होता है वो ठंडा रहता है। अगला है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। अगला है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता घटती है या बढ़ती है? दोस्तों, उसकी आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। ओके, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? दोस्तों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? दोस्तों, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। क्या एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी? ताप की खराब अवशोषक, मीन्स वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, कम से कम कर सकती है, कर तो सकती है, और अच्छी परावर्तक, उससे सूर्य को प्रकाश को ऐसे आया और ये परावर्तित करने में सक्षम होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? दोस्तों, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसी कारण से उनका बाहरी सतह काला छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह है, क्या कारण है इसका? दोस्तों, ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इस कारण से हमें ज़्यादा ऊष्मा एब्जॉर्ब नहीं करते तो हमें ज़्यादा हीट नहीं मिलती है, इस कारण से हमें कम गर्मी लगती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो को देख लेते हो लेकिन यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमको बड़ा हर्ट फील होता है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जल्द ही मैं आप लोगों के लिए चैनल पर रेगुलर करंट अफेयर्स, जो आप लोगों का शेड्यूल्ड टाइम 7 बजे रखा गया है, उसमें रेगुलर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? दोस्तों, अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप बढ़ जाता है, इस कारण से प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। अगला है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक जो होता है, अशुद्धि उसमें मिला दी जाती है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, ओके, मीन्स देर में उबलता है। अगला है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। काली और खुरदरी सतह जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। अगला है, कमरे को ठंडा किया जाता है, दोस्तों, संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। अगला है,
गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी से नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों, क्वथनांक बढ़ जाता है और जमा बिंदु घट जाता है, तो क्या परिवर्तन होता है? क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जहाँ पर वो उबलता है, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है, मीन्स जल्द ही जमने लगता है। सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? दोस्तों, 6000 के, जो 6000 केल्विन होता है, के मीन्स केल्विन। ओके, अगला दिया गया है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? दोस्तों, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? दोस्तों, एक समान ताप को बनाए रखना, ये थर्मोस्टेट का रेफ्रिजरेटर में कार्य है। अगला है, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? ताप अपरिवर्तित रहता है, वो पहले कह रहा है समतापीय, समतापीय में समान ताप, तो क्या होगा? ताप अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा का क्या होता है? रुद्धोष्म परिवर्तन में दोस्तों ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है और समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों, ये थे आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों की रेगुलर क्लास में रेगुलर लेकर के आता हूँ। कम से कम आप लोगों के लिए 20 से 30 वीडियो आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस की लेकर के आऊँगा। सो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।